सबसे बड़ा शादी का जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है सबसे ज्यादा वो है दहेज। अब ये दहेज का ऐसा है कि अमीर तो दे देता है लेकिन गरीब, तो ये उनको सोचना चाहिए जो दे रहे हैं और कहते हैं कि हमको दिया है अल्लाह ने तो दे रहे, क्या तोहफा नहीं दे सकते क्या, काम मना है तोहफा दे रहे हैं, वो तोहफा क्या है, वो तो आपने उधर से लिया है पूरा, दहेज वहां पर था, वो कन्यादान था, इसके लिए देते हैं, वो दान कर देते, तो जो कुछ देना उसके साथ में दे दो। हमारे कन्यादान नहीं होता, निकाह मुआहिदा होता है, लिखा जाता है उसको एक पेपर के ऊपर, तो हमारे मुआहिदा है वो, दान नहीं है कि आपने एक दे दिया उसको दान हो गई, वो तो वहां पे तो दान होता है, इसलिए दे देते हैं वो कि जो कुछ देना है अभी देना है, यहाँ तो विरासत में इसका हिस्सा है, ये आपने दे दिया वो नहीं, तो दहेज इसके अंदर अब अमीर दे रहा है, लेकिन ये सोचना चाहिए वो अमीर दे रहा है और तुमने ऐसा काम किया है कि वो जो आपके आसपास में गरीब लोग रहते हैं, जो रिश्तेदार आए हैं वो आपके देख रहे हैं कि मेरी बेटी की ऐसी शादी नहीं कर सकता हूं। वो लड़की वहां पर मौजूद है देख रही है कि मेरी शादी ऐसी नहीं हो सकती है और मेरा बाप मुझे इतना नहीं देख सकता, उन गरीबों की आहें निकलती है और वो आहें निकलेगी तो आपके बच्चों बच्चों की जिंदगी सुकून से नहीं गुजरने वाली।